नमस्कार, जोहार, आदाब। संथाल परगना क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। दुमका में दीदी बाड़ी योजना का हुआ शुभारंभ। मनरेगा योजना की ओर से ग्रामीणों के घर में किचन गार्डन तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम दीदी बाड़ी योजना है। इसी क्रम में जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में 1600 स्थानों पर यह योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत प्रखंड के चित्रगढ़िया गाँव में क्षेत्र में विधायक नलिन सोरेन की। इस योजना के तहत लाभुकों का चयन होने के बाद 1.25 डिसमिल से लेकर के 5 डिसमिल जमीन पर पोषण वाटिका तैयार करने पर 10 से 24 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में अपने घर की जमीन पर किचन गार्डन तैयार करना है, जिसमें हरी सब्जी उपजाना है और भोजन में पोषक तत्व शामिल करना है। नलिन सोरेन ने बताया कि इसमें आदिम जनजाति महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही संथाल परगना के लोगों को जोड़ा जाएगा। जूनियर कैंप क्लब को हरा NPCC 11 के फाइनल में। दुमका जिला क्रिकेट संघ तत्वाधान में ए टीम ग्राउंड में खेले जा रहे तारकेश्वर चौबे मेमोरियल जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में रविवार को पहले बल्लेबाजी कर NPCC 11 ने जूनियर कैंप क्लब के 33 रनों से हरा कर फाइनल में जगह बना ली। स्कूलों के निरीक्षण में नहीं लग रहा अधिकारियों का मन, दर्जनों को कारण बताओ नोटिस। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जवाबदेह अधिकारियों की कार्यप्रणाली हैरान कर देने वाली है। सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के कई जिलों में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। विभाग की ओर से दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच 3 अलग अलग आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर न्यूनतम 5 उच्च एवं उच्चतम माध्यमिक का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। कोयला रेक से बस्ती में बढ़ेगा प्रदूषण। दुमका रेलवे स्टेशन पर कोयला रेक के अधिष्ठान पर विरोध तेज होने लगा है। स्टेशन के आसपास बसी आबादी की इसका विरोध कर रही है। लोगों को यह भय है कि आने वाले दिनों में कोयला रेक की वजह से प्रदूषण बढ़ेगा और उनका जीना दुभर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री भी इसकी चपेट में होंगे। रविवार को केंद्रीय रेल मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन पूर्व मंत्री व भाजपा नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी को सौंपा गया। रविशंकर मंडल, प्रदीप शर्मा, ऋषि शर्मा, चंदन तिवारी, निरंजन यादव, शशिकांत, प्रेम केवट आदि मौजूद थे। खबर गोड्डा से। गोड्डा में खुलेगा स्वचालित मौसम वेधशाला। जिले के लोगों व किसानों को अब रांची मौसम केंद्र के पूर्वानुमान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में अब कृषि विज्ञान केंद्र में स्वचालित मौसम वेधशाला लगाया जा रहा है। यहां से अब जिला से लेकर प्रखंड तक विस्तार पूर्वक मौसम पूर्वानुमान संबंधी आंकड़ा मिलेगा। इसके साथ ही आंकड़ा भी अब गोड्डा में संग्रह होगा, जिससे लोगों को तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिल सकेगी, साथ ही मिट्टी की नमी की जानकारी भी मिल सकेगी। मालूम हो कि KVK में पहले से ही मौसम वैज्ञानिक व एक कर्मी का पदार्पण हो गया है। स्वचालित मौसम वेधशाला के लिए पुणे से उपकरण की पहली खेप आ पहुंची है, जबकि उपकरण के शेष भाग को लाने के लिए एक और खेप आना है। इसके साथ ही संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया है, जबकि मार्च अंतिम सप्ताह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से यह संयंत्र काम करना शुरू कर देगा। संथाल परगना का यह पहला स्वचालित वेधशाला गोड्डा में खुले जा रहा है। मेडिकल छात्रा पूजा भारती हत्याकांड में अश्लील कमेंट करने वाला हजारीबाग से गिरफ्तार, जल्द खोलेंगे सारे राज। गोड्डा की रहने वाली हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्र पूजा भारती पूर्वे हत्याकांड में पुलिस बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही है। पुलिस फिलहाल इस केस में मृतका पूजा के हजारीबाग से रांची आने और फिर पतरातु जाने के सफर में मौत का रहस्य ढूंढ रही है। हत्या के 6 दिन बीत जाने के क्रम में पुलिस ने तमाम पहलुओं की बारीकी से जाँच की। छात्रा के डिलीट फेसबुक अकाउंट से भी डाटा जुटाया जा रहा है। इससे पहले झारखंड पुलिस के DGP MB राव ने 72 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया था। पुलिस की पूजा हत्याकांड में अभी आगे की जांच जारी है। संभव है कि आज रात तक पुलिस निजी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी और पूजा भारती की हत्या की गुत्थी सुलझा लेगी। इस बीच रामगढ़ के SDPO प्रखंड चंद्र ने कहा कि अब तक की तफ्तीश में यह पता चला है कि छात्रा की हत्या कहीं और की गई है। इसके बाद उसके लाश को ठिकाने पर लगाने के लिए हाथ पैर बांधकर पतातू डैम में फेंक दिया था। विधायकों के आवास पर पारा शिक्षकों का धरना।
गोड्डा जिले के महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, बोरियो विधायक लोबिन हेमरम एवं पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव के आवास के समक्ष अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने रविवार को एक दिवसीय धरना दिया। तत्पश्चात मांगों से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में संबंधित विधायक को ज्ञापन सौंपा। पोड़िया झारखंड राज्य पारा शिक्षक संघ के बैनर तले पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव के आवास के सामने पारा शिक्षकों ने रविवार को एक दिवसीय धरना दिया। खबर पाकुड़ से, पाकुड़ सोशल मीडिया टीम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपहार देकर किया सम्मानित। रांची सोहराई भवन में सोशल मीडिया के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सम्मानित हुए सोशल मीडिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पाकुड़ जिला के झामुमो जिला प्रवक्ता साहिद इकबाल, एजाज अहमद, आफ्ताब आलम का अच्छे कार्य को देखते हुए उपहार देकर सम्मानित किया और मुख्यमंत्री के द्वारा सोशल मीडिया टीम को उत्साह भी बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दो आवेदन पाकुड़ जिला के तरफ से दिया गया, जिसमें गृह जिला स्थानांतरण को लेकर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ पाकुड़ जिले की और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को झामुमो जिला प्रवक्ता साहिद इकबाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। मालूम हो कि इससे पहले शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल JMM जिला अध्यक्ष श्याम यादव से मुलाकात कर जिला स्थानांतरण को मुख्यमंत्री को सौंपा था। पाकुड़ आसम स्ट्राइकर ने साहिबगंज को हराया। स्थानीय रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आयोजित अटल कप की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को पहला मैच आसम स्ट्राइकर पाकुड़ एवं साहिबगंज क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। पाकुड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकुड़ ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 245 रन बनाया। पाकुड़ के बल्लेबाज शुभम ने 60 ओवर, रोहित ने 58 रन बनाया। वहीं जवाब में साहिबगंज की टीम ने 12.3 ओवर में 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकुड़ ने साहिबगंज को 184 रन से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। पाकुड़ के गेंदबाज रवि ने 4 ओवर में 5 विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच का खिताब पाकुड़ के रवि को दिया गया। सूर्य पूजा कर सुख समृद्धि की कामना। शहर के राजापाड़ा स्थित काली तल्ला में रविवार को भगवान सूर्य की पूजा धूमधाम से की गई। शहर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने वैदिक परंपरा से पूजा अर्चना की। पूजा के लिए दिन भर महिलाओं का तांता लगा रहा। पुरोहित तपन चंद्र गांगुली ने भगवान सूर्य का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करवाई। पुरोहित ने बताया कि बंगला माघ महीना के पहले रविवार को सरजू पूजा यानी सूर्य का पूजा प्रत्येक साल की जाती है। पाकुड़ राजा के समय से यहाँ भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। वे पिछले 52 साल से यहाँ सरजू पूजा करते रहे हैं। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं के सुरक्षा के लिए रविवार को व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जामताड़ा से, जामताड़ा जिला युवा कांग्रेस के सचिव की गोली मारकर हत्या, पुलिस को नजदीकी पर शक। जामताड़ा जिला युवा कांग्रेस सचिव 24 वर्षीय राहुल राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्हें झारखंड की सीमा में लगे पश्चिम बंगाल के चितरंजन में बुलाकर गोली मारी गई है। इस घटना के बाद जामताड़ा के कांग्रेसियों में गुस्सा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को हत्या में राम के करीबियों पर की शक है। हत्या के ठीक पहले राम को घर से बुलाकर ले जाया गया था। बुलाने वाला परिचित है। पुलिस बुलाने वाले की तलाश कर रही है। लो कर लो बात, दुनिया को ठगने वाला जामताड़ा को ही ठग लिया धनबाद ने। जामताड़ा का नाम जेहन में आते ही साइबर ठगी का मायाजाल जेहन में घूमने लगता है। जामताड़ा के साथी बैंक खाताधारकों को ऐसा फंसाते हैं कि चुटकियों में उसका खाता खाली हो जाता है। ये अपराधी ठगी के नित्य नए तरीके में इजाद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ के खाताधारकों को यहाँ के अपराधियों ने चुनाना लगाया हो। ऐसे में कोई जामताड़ा के लोगों को ठग ले तो चौंकाना लाजमी है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। पड़ोसी जिले धनबाद का एक ठग सिक्योरिटी कंपनी का फर्जी अधिकारी पन जामताड़ा में ठगी कर गया। एक नहीं बल्कि यहाँ के 24 युवाओं से दिसंबर में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.25 लाख रुपए झटक लिए। खबर देवघर से, ट्रक ने टोटो चालक और सवार को रौंद कर मार डाला, विरोध में सड़क हुआ जाम। देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग पर बागमारा बस स्टैंड के पास रविवार को ट्रक से कुचलकर 2 18 वर्षीय युवकों की मौत हो गई। दोनों यहां के कावरिया पथ स्थित भूत बंगला के पास परिजनों के साथ पिछले एक दशक से घर बनाकर रह रहे थे। मृतक चंदन कुमार मूल रूप से बिहार के बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के बदला डी व सूरज कुमार सिंह उर्फ सोनू कुमार बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खगड़पुर थाना क्षेत्र के गंगटा गांव के रहने वाले थे। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने करीब 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा।
देवघर में है धम, नंबर वन बनेंगे हम, स्लोगन के साथ निकाली गई स्वच्छता की रैली। देवघर नगर निगम की ओर से स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री मौजूद रहे। वहीं नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल सहित निगम कर्मी के साथ हजारों लोग के समूह में स्वच्छता स्लोगन के साथ सभी ने रैली निकाली। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो नगर निगम से निकलकर सीलोक परिसर में पहुंची। साथ ही सफाई कर्मी और संबंधित लोगों को पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। स्वच्छता रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को संदेश देना और देवघर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने का साथ दिया। इसके लिए एक स्लोगन देवघर में है दम, नंबर वन बनेंगे हम भी बनाया गया। खबर साहेबगंज से, पश्चिम बंगाल जा रहा कोयला लदे दो ट्रक हुआ जब्त। बोरियो थाना पुलिस ने अवैध रूप से कोयला की ढुलाई करने के आरोप में दो ट्रक को जब्त कर लिया है। दोनों ट्रक के चालकों सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज करा गया है। थाना प्रभारी जगन्नाथ पांडे ने बताया कि शनिवार देर शाम गुप्त सूचना के बोरियो वारीजोर पथ के दरों के पास कोयला लदा दो ट्रक पकड़ा गया। दोनों ट्रक के चालकों से कोयले से संबंधित कागजात की मांग की गई, परंतु कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद दोनों ट्रकों को थाना लाया गया। बाद में चालक ने कागजात दिखाया, इसमें गंतव्य स्थान सतीश कुमार सिंह चित्रा धम्मा देवघर एवं दूसरे ट्रक का गंतव्य स्थान रुद्र इंटरप्राइजेस खाद दम्बल मोहनपुर गोड्डा लिखा हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।